जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, वैसे तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की एनालिसिस वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम कंबाइन चीजें जानेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। कल मार्केट ओपन हो रही, कहां पे ओपन हो सकती है, किस रेंज में आप सभी के साथ एक ट्रैपिंग गेम खेला जा सकता है, मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हैं, चाहे फिर निफ्टी ट्रेड करते हो निफ्टी फिफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे हमने फिर निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे लाइव सेशन भी करता हूँ आप सभी के लिए ही, जो कि मेरी ट्रेड्स होती हैं, मैं भी आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। अदरवाइज कैंडल बनने से पहले कैंडल का मोमेंटम आप सभी के सामने मैं रखता हूँ कि मार्केट किस साइड में कहाँ पे जा सकती है, कौन से सपोर्ट होने वाले हैं, कौन से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकती है। इन सारी चीजों के साथ साथ आप सभी को ट्रेंड लाइन वगैरह की भी लर्निंग प्रोवाइड कराया करते हैं। फुल प्रोजेक्शन बेस्ड हमारा लाइव लर्निंग सेशन ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करना है, कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करके आल पे आपको क्लिक कर देना है कि जैसे ही मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन सॉरी स्टार्ट करूं, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर पाए। ठीक है, तो मेरे नाम से या फिर किसी भी इंस्टाग्राम आईडी सिमिलर आईडी से किसी भी प्रकार से आप सभी के पास कोई कॉल या मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी, या व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर फोन पे, तो ये समझिएगा कि वो आपके लिए फ्रॉड कॉल होगी, फ्रॉड मैसेज होगा, क्योंकि मैं और ना तो मेरी टीम आप सभी के लिए सिर्फ फ्री में काम करती, किसी के लिए पैसे की डिमांड नहीं करती, किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड नहीं करती है। ना तो कोई लर्निंग का पैसा लेता हूं, ना फिर मैं पैसे डबल कराता हूं, और ना ही मैं किसी भी प्रकार का कोई पैसा लेता हूं। ठीक है, तो इसलिए मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई एक भी पैसा मांगे तो उसे एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, ये चीज आप सभी को समझ लेना है, देन उसके बाद में फिर मैं आप सभी को यहाँ पे कुछ चीजें प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, कल की रेंज बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट अभी कहाँ पे रुकी हुई है, 20,070 के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। 20,070 का ये स्ट्रांग लेवल है, जो कि मैंने एक दिन पहले एनालिसिस वीडियो में भी बताया था, और लाइव ट्रेडिंग जब हम कर रहे थे, लाइव सेशन जब हम कर रहे थे, तो उसमें भी बताया था कि ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और बैंक निफ्टी में भी हमने बताया था, अभी आगे बात करेंगे, पहले फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। और फिन निफ्टी में मैंने बताया था कि अगर 20,200 के नीचे मार्केट आपको दिखती है तो यहाँ पे हम पुट साइड की एंट्री ले लेंगे, 15-20 मिनट अगर नीचे की तरफ सस्टेन रहती है या फिर मुझे मिलती है तो हम यहाँ पे पुट साइड की एंट्री लेंगे। और डायरेक्ट हमने आप सभी को जो टारगेट बताया हुआ था 100 पॉइंट का बताया हुआ था, और इवन यहाँ पर 100 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट नीचे की साइड में आपको देखने को मिला है, 100-120 पॉइंट के एग्जैक्ट टारगेट हिट हुए हैं। तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आप सभी को भरोसा ना हो, प्रूफ के तौर पे प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे कैसे कहाँ पे किस रेंज में चली हुई है। फिलहाल बात कर लेते हैं, मार्केट अगर 20,020 का एक स्ट्रांग लेवल है, 20,020 के लेवल के ऊपर और 20,080 के लेवल के ऊपर, 20,080 के लेवल के नीचे इस रेंज में अगर मार्केट ओपनिंग कराती है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट या तो ऊपर जाने देंगे या तो मार्केट नीचे जाने देंगे। क्लोजिंग कहाँ पे करती है, 15 मिनट की कैंडल या फिर 5-5 मिनट की 1-2-3 कैंडल कहाँ पे सस्टेन करती है, इस चीज की कंफर्मेशन के बाद हम कॉल या पुट साइड में एंटर करेंगे। अगर 20,080 के ऊपर मार्केट रहती है तो यहाँ से कॉल साइड में थोड़ा जा सकती है, और कहाँ तक जा सकती है, 20,150 का ये लेवल मिल सकता है आप सभी को, कहाँ पे 20,080 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो इस चीज को लिख लीजिएगा, अगर नहीं नोट किया है तो इस चीज को लिख लीजिएगा। मार्केट अगर 20,080 के ऊपर रहती है तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 20,150 का लेवल अचीव करेगा, और 150 के बाद फिर आपको 50 पॉइंट का और लेवल देखने को मिल सकता है, यानी 20,200 का लेवल आपको ऊपर की साइड में मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाती है तो हमें यहाँ पे वेट करना है, इस लेवल के आसपास से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि बैकएंड का डेटा हमें बता रहा है कि इस लेवल के आसपास से सेलिंग आई है, तो चाहे 20,150 हो या फिर 20,200 हो, इसके आसपास से हम पुट साइड की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेने के बाद में। अगर ब्रेकआउट करता है 20,225 का लेवल तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, वेट नहीं करेंगे, अगर पुट साइड में एंटर की है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेंगे, और स्टॉप लॉस लेके फिर कॉल साइड में एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे फिर हमारा जो टारगेट होगा 70-80 पॉइंट का होगा, वो होगा 20,300 का लेवल। इस चीज तक अभी फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे जो मंडे को होने वाली है, ये चीज आप सभी लोग समझ लीजिएगा। बात कर लेते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड के लिए थोड़ा सा चार्ट को हम छोटा करते हैं और नीचे की साइड में थोड़ा सा इन चीजों को समझ लेते हैं कि अगर 20,000
20 के लेवल को ब्रेक करती है। अभी यहाँ पे हमने 20,200 बताया था, 200, 50, 20, यहाँ पे 20,020 की का लेवल बता रहा हूँ कि अगर इसके नीचे जाती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। फिर अगर प्रॉपर तरीके से नीचे सस्टेन रहती है, हम पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट क्या लेंगे फिर डाउन साइड में, टारगेट हम ले सकते हैं 50-50 पॉइंट का लेंगे तो सेफेस्ट टारगेट रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पे 19,950 का, और इसके बाद में 19,850 का, और फिर 19,750 का, ये टारगेट हमें डाउनसाइड में देखने को मिल सकते हैं। फिर मार्केट बियरिश होगी और नीचे का बेहद स्ट्रांग सपोर्ट लेवल लेगा 700। तो यहाँ पे हम 750 का लेवल ना करके 700 का टारगेट लेंगे डाउनसाइड में। मतलब अगर 20,020 के नीचे आती है तो ट्रेड कर सकती है 19,700 तक, लेकिन जरूरी नहीं कल ही 700 तक आपको दिख जाए। कल मार्केट 19,950 और 19,850 के लेवल को भी टच कर सकती है अगर मार्केट नीचे आती है तो। तो ये रही हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे फिन निफ्टी के आंसर। देखिए हम कॉल साइड और पुट साइड में दोनों पोजीशन लेके चलेंगे। पोजीशन लेने का मतलब ये है कि दोनों की साइड में हम माइंड सेटअप अपना बना के चलेंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं फिर भी वो लॉस कर देते हैं क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है। वो समझते नहीं कि हम ऑप्शन बायर हैं। मुझे मार्केट के साथ जिद करके नहीं बैठने होता है, ठीक है। अगर जिद करोगे, अगर कॉल साइड में बन गया तो फिर कॉल साइड में ही बने रहोगे। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है आप भूल गए तो फिर आप एवरेज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, अंततोगत्वा आपका कैपिटल जो है जीरो हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है, एक दो बार प्रॉफिट भी देख सकता है, वो अलग की बात है। लेकिन इस तरह से डग्गा मार हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब अगला निफ्टी 50 की, दिन उसके बाद में फिर निफ्टी की बात करेंगे। तो निफ्टी 50 के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे हमें निफ्टी 50 का चार्ट भी लगाना होगा। निफ्टी 50 का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है आप सभी के लिए, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अगर नहीं देखा है तो सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट गैप अप करती है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीज है यहाँ पे समझ लीजिएगा। 19,360 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ से कॉल साइड में थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, ऊपर जाएगी तो 19,420, और फिर हम पूर्णतः बुलिश होंगे कब, जब 19,440 का लेवल ब्रेक होगा अपर साइड में तब। और कहाँ तक होंगे, 19,500 का और 19,530, यहां तक ही बुलिस होंगे, अदरवाइज बुलिस नहीं होंगे। मार्केट बियरिस रहेगी, और बियरिस कहां तक रहेगी, मार्केट अगर 19,300 के नीचे प्रॉपर तरीके से सस्टेन करती है, यानी कि ये जो डेलो दिख रहा है इस डेलो के नीचे वो ओपनिंग कराती है या फिर कहीं भी ओपनिंग कराती है, इसके नीचे आ जाती है। देखो यहाँ पे दो चीजें हम आप सभी को बताएंगे, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। मार्केट अगर 19,300 और 330, या फिर हम ये मान लेते हैं कि 360, इस बीच में कहीं पर भी मार्केट रहती है, ठीक है, इस बीच में कहीं पर भी मार्केट रहती है 19,360 या फिर 19,300 के बीच में, इस 60 पॉइंट में कहीं भी मार्केट रहती है, तो यहाँ पे आप सभी को ट्रैप कर सकती है। यहाँ पे ना तो हम अपसाइड में जा सकते हैं ना तो कॉल साइड में जा सकते हैं। जब 360 को लेवल को ब्रेक करेगी, मैंने आपको बता दिया, और जब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे थोड़ा सस्टेन रहने के बाद में, इस लेवल के सस्टेन रहने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है, तो फिर मार्केट आपको 19,200 का भी लेवल दिखा सकती है। मतलब 100 पॉइंट का आपको टारगेट नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है, इस चीज को निफ्टी 50 में समझ लीजिएगा। इसके नीचे जाती है तो हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को थोड़ा सा अपडेट करा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, सर्च करके जाओगे तो कई सारे फ्रॉड चैनल फेक चैनल आप ज्वाइन कर लोगे, इसलिए सर्च करके मत जाइएगा। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगी उस लिंक के थ्रू आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का चार्ट ऑलरेडी हमने ओपन करके रखा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एनालिसिस वीडियो में भी बताया था और आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ कहां जाएगी, दो टारगेट करीब 120 पॉइंट 150 पॉइंट के दिए थे और वो हिट हुए हैं। मैंने रेजिस्टेंस बताया था 45,075 यानी 45,075 का बताया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, लाइव सेशन अभी पड़ा हुआ है, ये लेवल हमने बताया हुआ था। तो यहां से मार्केट हमने कहा था कि अगर ऊपर जाती है तो बुलिश होगी, अदरवाइज मार्केट यहीं से नीचे आएगी, तो नीचे आई है। और जो मैंने स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बताया था 44,850 का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है, और इसी सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट ने लो लगा के क्लोजिंग कर दी है। बात कर लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, तो ये चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा। मार्केट अगर 44,950 के लेवल के आसपास ओपन होती है तो यहां से मार्केट पहले आएगी 44,850, देन उसके बाद ऊपर जा सकती है 45,075 के आसपास, ठीक है, इस तरह से चल सकती है। या फिर अगर ऊपर की तरफ जाती है तो 45,075 जाने के बाद में फिर से नीचे आएगी, तो 44,000
850 के लेवल के आसपास, 850 के लेवल के आसपास आके ट्रेड कर सकती है। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है कि ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज है, इस रेंज में मार्केट रह सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे हम पुट साइड की एंट्री करेंगे, सपोर्ट पे कॉल साइड की एंट्री करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 44,850 के नीचे मार्केट चली जाती है, प्रॉपर तरीके से सस्टेन रहती है यहाँ पे, तो फिर डाउन साइड के मुझे टारगेट देखने को मिल सकते हैं और अच्छे खासे टारगेट डाउन साइड में मिलेंगे। लेकिन पहला जो सपोर्ट लेवल होगा 44,700 का होगा, यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो यहां से कॉल साइड में भी एंट्री बन सकती है। एक चीज बता दें, अगर मार्केट यहां पर सस्टेन रहती है, चाहे ओपनिंग ही करा देती है, गैप डाउन ओपनिंग अगर कराती है, तो ये सपोर्ट लेवल लेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, अगर यहाँ पर मार्केट रुकती है तो 44,700 यानी 44,700 के कॉल साइड की एंट्री करके फिर 44,665 का स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट लेंगे 44,850 का। इस प्रकार से अगर 44,665 के नीचे जाती है तो फिर मार्केट 44,500 का ये लेवल आपको अचीव होता हुआ दिखेगा और इसके नीचे फिर 300 और फिर 44,000 यानी कि 44,000। इस तरह से मार्केट आपको रैली करते हुए नीचे की तरफ आएगी। ऊपर की साइड में मैंने आप सभी को बताया कि अगर इस रेंज में है तो है, अदरवाइज यहां से अगर 45,075 के ऊपर जाती है तो ऊपर 45,200 का मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके भी ऊपर जाती है तो फिर 45,400 के आसपास का लेवल फिलहाल कल के लिए होने वाला है। इससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर होता है तो मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई हूं, बंधु हूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं फ्री लर्निंग आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। दोस्तों क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या लर्न किया, लर्न करोगे तभी अर्न कर पाओगे, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे मार्केट में पैसा बहुत सारे लोग गंवाते हैं, तो पैसा गंवाने से अच्छा है कि पैसा बचा लेना। तो ट्रेड ना करो, अच्छी चीज है, यहाँ पे पहले लर्निंग करो, देन उसके बाद में अर्निंग करने का प्रयास करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।